दोस्तों स्वागत है तुहाडा क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल दे उत्ते। ते अज आपां गल करांगे चार टॉपिक दे बारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 10th क्लास दा रिजल्ट डिक्लेयर कद होवेगा, 12th क्लास दा रिजल्ट डिक्लेयर कद होवेगा, ते मेरिटोरियस स्कूल दे लई जो तुसी एंट्रेंस एग्जाम दिता सी उस दा रिजल्ट कद डिक्लेयर होवेगा। इस तो बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है दोस्तों, जिहड़े बच्चे मेरिटोरियस स्कूल दे विच एडमिशन लेना चाहुंदे आ 9th क्लास दे विच दोस्तों 11th क्लास दे लई प्लस वन क्लास दे लई एडमिशन दे लई तां आपां पहिलां देखिआ सी कि अपना एग्जाम होवेगा, उस तों बाद 9th क्लास दे विच एडमिशन लैण दे लई आपां किद्दां एडमिशन लै सकदे आ उहदे बारे वी पूरी जानकारी लवांगे। तां सब तों पहिलां आपां 10th एंड 12th क्लास दा जो वी रिजल्ट डिक्लेयर करना है उसदी की डेट्स हन, की इनफॉर्मेशन आई है तां उहदे बारे देखदे आ। दोस्तों NDTV दी जो ऑफिशियल वैबसाइट है आपां देख सकदे आ कि उन्हां ने लिखिआ है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 10th क्लास रिजल्ट मैरिट लिस्ट विल बी अनाउंस टूडे। तो जिहड़ी इहनां दी मैरिट लिस्ट है वह टूडे मतलब अज अनाउंस कर दित्ती जाएगी। तो हमेशा ही होंदा है कि जिस दिन तुहाडी मैरिट लिस्ट अनाउंस कर दित्ती जांदी है उस तो नैक्सट डे तुहाडा रिजल्ट आ जांदा है, इहदा मतलब कि तुहाडा रिजल्ट कल नूं डिक्लेयर हो जाएगा। अज 8th मई है मतलब 8 मई है, 8 मई नूं तुहाडी मैरिट लिस्ट आ जाएगी। 8 मई नूं मैरिट लिस्ट आउण तों बाद उन्होंने लिखा है कि 9 मई नूं तुहाडा जो रिजल्ट है वह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट के उपर डिक्लेयर कर दिता जाएगा, मतलब 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट कल नूं डिक्लेयर हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों गल रहेगी 12th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट कद आएगा। दोस्तों इस वैबसाइट के उपर ही लिखा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 12th रिजल्ट विल बी डिक्लेयर रिलीज्ड ऑन ऑफिशियल वैबसाइट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब इस वीक के लास्ट तक उन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिता जाएगा। कहने का मतलब कि इस वीक के लास्ट तक या फिर मंडे या ट्यूजडे तक उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिता जाएगा। जो पिछले टाइम जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो आपको पता है कि उन्होंने रिजल्ट अप्रैल में आया से, 12th का क्लास का जो रिजल्ट है वह अप्रैल में आया से। इस बार उन्होंने कहा है कि मई के रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो इस जो लास्ट वीक है तद तक कर दिता जाएगा, मतलब जां तां फिर मंडे भी हो सकता ट्यूजडे भी हो सकता है। तो जो भी ऑफिशियल अपने कोल इनफॉर्मेशन है दोस्तों उहदे अकॉर्डिंगली तो यही है कि जो 10th क्लास के बच्चे है उन्होंने रिजल्ट मैरिट लिस्ट अज डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो जो उन्होंने रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर हो जाएगा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट के उपर। इस तो बाद जो 12th क्लास के बच्चे उन्होंने रिजल्ट इस वीक के एंड तक या फिर मंडे या ट्यूजडे तक डिक्लेयर हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों आप गल करते हैं मेरिटोरियस स्कूल के बारे, मेरिटोरियस स्कूल के जो तुम पेपर दिता से एंट्रेंस एग्जाम दिता से उस तो बाद पेपर हो गया जो रिजल्ट बारे पुछ रहे थे भी किदन रिजल्ट आएगा उस बारे भी पूरी जानकारी तुम्हें देवगा। दोस्तों उसका रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट जो 10th क्लास का रिजल्ट है उस तो बाद ही आएगा, क्योंकि 10th क्लास के जो मार्क्स आ जो 10th क्लास में मार्क्स आने वो मार्क्स को काउंट किया जाएगा, उत्थे वो मार्क्स को काउंट करने तो बाद तुहाडी मैरिट लिस्ट उन्हां दी अलग मैरिट लिस्ट बनेगी। मतलब जब तक उन्होंने यही नहीं पता कि बच्चों के जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे थे 70% या 65% मार्क्स होने चाहिए आ पास होने के लिए, उन्होंने जोड़े बच्चों के 70-65% मार्क्स आने इस तो उपर आने उन्होंने मैरिट लिस्ट बनेगी। मैरिट लिस्ट बन तो बाद जो भी तुम सेम प्रोसैस कॉल किया जाएगा जो सद के काउंसलिंग की जाएगी। तो मेरिटोरियस स्कूल का जो पेपर का रिजल्ट इस करके नहीं डिक्लेयर किया गया तो क्योंकि उन्होंने कोई डिटेल नहीं पास होने की कि पास होए हो या नहीं होए हो। तो जब भी 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस दे विदिन अ वीक तुहाडा जो मेरिटोरियस स्कूल का रिजल्ट है वह भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी मैरिट लिस्ट बन जाएगी। इस तो बाद जो लास्ट इनफॉर्मेशन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है जिदे बारे आप देखना है, मैं तुम्हें क्या मेरिटोरियस स्कूल के 9th क्लास के भी तुम एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों तुम देख सकते हो कि जो 9th क्लास के तलवाड़ा स्कूल है, तलवाड़े स्कूल के सिर्फ गर्ल्स बॉयज़ नहीं सिर्फ गर्ल्स, एंड गर्ल्स जो गौरमेंट स्कूल के पढ़ रही हैं वह गर्ल्स डायरैक्टली एडमिशन ले सकदियां ने मेरिटोरियस स्कूल के। सिंपली तुहानू करना की है कि तुसी जब मेरिटोरियस स्कूल की ऑफिशियल वैबसाइट के उपर जाओगे, वैबसाइट के उपर जाने तो बाद देख सकते हो थले ऑप्शन आ रहा है क्लास 9th एडमिशन फॉर तलवाड़ा, तुसी इत्थे क्लिक जब भी करोगे क्लिक करने तो बाद सामने इदा फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं वैसे पहला रजिस्ट्रेशन की हुई है तो तुम नीचे आके करना है क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर, तुम जो क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर से करोगे तो सामने इदा की विंडो ओपन होगी जिदे की होगा नेम। सब तो पहला अपना इतने नेम लिख लेना है, नेम के सामने नेम लिख दो, फिर तुहाडा मदरस नेम इतने उन्होंने पूछा, फिर कैटागरी पूछी है कैटागरी किदा करनी है। दोस्तों कैटागरी के जाके क्लिक करोगे तो काफ़ी कैटागरीज आ जाएगी, तुम जनरल कैटागरी बिलोंग करते हो, शड्यूल कास्ट करते हो, ST करते हो, BC करते हो,
ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੈਨ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਜੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ। ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਲਵਾੜਾ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓ ਟੀ ਪੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਵੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।